अगली खबर आ रही है आगामी चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस ने अगले साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब उन विधायकों के इलाकों पर फोकस करेगी जिनके कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस फेरबदल में कांग्रेस को अपनों से ही चोट मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत गुरुवार को बड़ा मलहरा से होगी। कमलनाथ बड़ा मलहरा में मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटियों की बैठक लेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ा मलहरा उमा भारती का गढ़ माना जाता है। सन 2003 में जब बीजेपी की 10 साल बाद सरकार बनी, तब उमा बड़ा मलहरा से ही विधायक बनी थी। यहीं से उमा के बड़े भाई स्वामी लोधी भी विधायक रह चुके हैं। उमा की कट्टर समर्थक रेखा यादव भी 2008 में उमा की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी के विधायक बनी थी। लोधी समाज बहुल बड़ा मलहरा विधानसभा से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनाव जीते थे। हालांकि वे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज यहीं से कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले विधायकों को अगले चुनाव में पटखनी देने का शंखनाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए 22 विधायकों के बाद से अब तक कुल 29 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कमलनाथ विशेषकर दल बदल कर धोखा देने वाले 26 विधायकों की सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो जिन विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, उनमें से अधिकांश विधानसभाएं ऐसी हैं जहां लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन विधानसभाओं में वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में हैं, लिहाजा इन सीटों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस के बूथ लेवल वर्कर्स से लेकर मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों से कमलनाथ सीधे चर्चा करेंगे ताकि स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी मिल सके। दल बदल के बाद कांग्रेस स्थानीय विधायकों के प्रति जनता में नाराजगी को भी भुनाने में लगी है। साल 2018 में कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले सपा और बसपा के विधायकों ने भी हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया। भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और छतरपुर जिले की बिजावर से सपा विधायक राजेश शुक्ला और सुसनेर के निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इन तीनों विधायकों की पारिवारिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही। राजेश शुक्ला के बड़े भाई जगदीश शुक्ला छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। संजीव सिंह कुशवाहा के पिता डॉक्टर राम लखन सिंह कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। वहीं राणा विक्रम सिंह भी पुराने कांग्रेसी हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि जहां पर हमें कमजोर किया गया है वहां पर हम मजबूती के लिए प्रयास करें। आदरणीय कमलनाथ जी की जो सूक्ष्म रणनीति है, जो माइक्रो एनालिसिस वो कर रहे हैं, उसके आधार पर इन क्षेत्रों में हमारी चौपालें भी सघनता से लगेंगी और कमलनाथ जी वहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के साथ, वहाँ के मतदाताओं के साथ विमर्श भी करेंगे और डायलॉग भी करेंगे।